हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। आप देख रहे हैं मम्मी की रसोई बाई कुमुद। आप देखते हैं, कई बार हमारे कुकर में इस तरह दाग सा हो पड़ जाता है खाना बनाते बनाते, जो कि काफ़ी ज़िद्दी होता है, छूटता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये कढ़ाई में भी यहाँ पे पीला सा ये लग गया है, जो कि जल्दी ये रगड़ने पे भी छूटता नहीं है। तो इसको छुड़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ले लीजिए इस तरह दवाइयों के, ये देख सकते हैं रैपर, जो कि खाली है। और इससे अगर आप इसे हल्का हल्का इस तरह आप रब कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि मिनटों में ये एकदम छूट जाता है। आप थोड़ा सा इस पर कोई डिशवाश डाल लीजिए। मैंने इस तरह लिक्विड डाल लिया है और थोड़ा सा इस तरह आप रगड़ दीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से, ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये जो पीला पीला सा दाग पड़ जाता है, ये इन दवाइयों के रैपर से निकल जाता है। अभी मैं आपको इसे धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पे पीला पीला सा दाग पड़ा हुआ था, ये एकदम क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार हम अपने दाल वगैरह में जब धूप नहीं लगाते हैं, तो थोड़ी आप देखेंगे कि नमी सी आ जाती है इसमें। इस तरह आप देखेंगे कि ये हल्की हल्की मॉइस्ट सी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा दाल ख़राब होने लग जाता है, स्मेल भी आने लग जाती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है और आप देखेंगे आपका दाल कभी भी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा है तो भी आप डाल दीजिए, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है जो यूज़ करने वाला है। अगर आप ज़्यादा इकट्ठे लेकर के आते हैं, किसी बड़े डब्बे में रखते हैं, तो आप उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह आप लीजिए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को इस तरह गोल गोल बांध करके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और करके इस तरह इसे ऐसे हाथों से मोड़ लीजिए और इसे इस तरह अपने दाल में करके रख दीजिए। आप देखेंगे इसका जितना मॉइस्चर होगा ना, वो अगर आपके दाल में मॉइस्चर आ गया है, तो भी आपके पास अगर धूप वगैरह की सुविधा नहीं है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। धूप है फिर तो आप धूप दिखा दीजिए, तो इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपके दाल में मॉइस्चर भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए, आप इस तरह न्यूज़पेपर के टुकड़े को गोल गोल करके डाल देते हैं अपने दाल में, तो आपका दाल मॉइस्चर से बच जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ज़्यादा लंबे टाइम तक आप अगर धूप नहीं भी दिखाते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम पालक की कोई रेसिपी बनाते हैं, तो हमारे पालक का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा काला हो जाने लगता है। तो क्या ट्रिक करें कि हम अपनी रेसिपी में पालक भी डालें और उसकी जो ओरिजिनल उसका कलर है वो चेंज ना हो? तो उसके लिए आपको लेना है गर्म पानी, और उसमें अपने पालक को डाल देना है। बहुत ज़्यादा आपको अपने पालक को उबालना नहीं है, इससे भी उसका कलर चेंज हो जाता है। और उसमें डालना है आपको 1 चम्मच चीनी। तो चीनी डालने से पालक का कलर मेंटेन रहता है, उसका जो ग्रीन कलर है वो ख़राब नहीं होता है। और इसे आपको डाल करके और 1-1.5 मिनट के लिए ही इस पे रखना है, उबालना नहीं है बहुत ज़्यादा। और फिर आपको लेना है एकदम चिल्ड पानी, यानी कि एकदम फ्रिज का चिल्ड वाटर। उसमें थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल लीजिए और अपने पालक को इस तरह निकाल करके और इस ठंडे पानी में डाल दीजिए। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं अपने पालक के साथ, तो आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल ग्रीन रहता है, एकदम ख़राब नहीं होता है। आप इसका पालक पनीर बना लीजिए या किसी सब्ज़ी में यूज कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसका ग्रीन
कलर आता है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी फ्रेश दिखता है, ऐसा लगता है एकदम ताज़ा ताज़ा पालक पीस करके हमने डाला है। तो आई होप आपको मेरा टिप पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।